दोस्तों, अगर बॉलीवुड में हिंदी भाषा की कमाई की बात की जाए तो गदर 2 का नाम दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि सबसे पहले थी शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसने हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई कर रखी थी। उसके बाद आती है सनी देओल की फिल्म गदर 2, जिसने हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई की। लेकिन फिलहाल शाहरुख खान की फिल्म जवान गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्योंकि अगर हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में अगर कोई फिल्म इस टाइम सबसे आगे चल रही है तो वो है शाहरुख खान की फिल्म जवान। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सलमान खान की टाइगर 3, जो कि स्पाई यूनिवर्स की मूवी है। आने वाले 12 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज हमें देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि हिंदी भाषा के अलावा पूरे इंडिया में यह फिल्म बेहतरीन कलेक्शन करेगी और इसके अलावा ओवरसीज से भी फिल्म तगड़ा कलेक्शन करके 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गदर 2 अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही थी, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन था अपने पहले दिन का, और सलमान खान की टाइगर 3 जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी 12 नवंबर को तो ये फिल्म कितनी कमाई करेगी। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप सलमान खान और सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिल्म गदर 2 की तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, क्योंकि अगर सिनेमाघरों में रियल में किसी फिल्म ने रौनकें लौटाई थी तो वो थी सनी देओल की फिल्म गदर 2। गदर 2 फिल्म के लिए सिनेमाघरों में जिस कदर हमें भीड़ देखने को मिली, इससे पहले शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि गदर 2 फिल्म का टिकट उतना ज्यादा महंगा नहीं था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंची। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए से भी कम का था। फिल्म को इंडिया के अंदर सिर्फ 3800 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था और इतनी कम स्क्रीनों पर रिलीज होने के बाद गदर 2 ने जो इंडिया के अंदर कमाई करके दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ थी। आपको मैं बताता चलूं कि गदर 2 फिल्म की जो पहले दिन की इंडिया के अंदर कमाई थी वो थी 40 करोड़ 10 लाख रुपए। जहां दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, अपने पहले दिन ये फिल्म इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में 40 करोड़ 10 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही थी। वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 48 करोड़ रुपए था। ओवरसीज से फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे लगभग 6 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 54 करोड़ रुपए करने में अपने पहले ही दिन कामयाब रही थी। लेकिन दोस्तों, यहां पे बात करूंगा मैं टाइगर 3 की। तो टाइगर 3 फिल्म ने जिस तरह से अपने बस को क्रिएट किया है वो वाकई शानदार है, क्योंकि फिल्म के पोस्टर रिलीज हो चुके हैं लेकिन फिल्म का ट्रेलर जब से सामने आया है तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं और फिल्म को देखने के लिए दर्शक बहुत ज्यादा उत्साहित है। दिवाली के खास मौके पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म में हमें सलमान खान, कटरीना कैफ, इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। फिल्म के अगर मैं बजट की बात करूं तो कम से कम 300 करोड़ रुपए बजट है फिल्म का। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं कहूंगा बजट कोई मायने नहीं रखता है, फिल्म का कंटेंट अच्छा होता है। फिल्म चलती है सिनेमाघरों में तो बजट तो साइड में रह जाता है, अपने बजट से 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक ज्यादा भी फिल्में कमाई कर पाती है, यह आपने भी देखा होगा। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में हमने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होते हुए देखी है, जिनका बजट 150, 200, 250 करोड़ रुपए था और वो बॉक्स ऑफिस पर कोई कारनामा नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं टाइगर 3 की तो टाइगर 3 का ट्रेलर इतना जनता को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, फिल्म ने अपना बस क्रिएट करना शुरू कर दिया। वैसे फैंस इस फिल्म का बहुत ज्यादा पहले से ही इंतजार कर रहे हैं इमरान हाशमी, शाहरुख खान, कटरीना कैफ को देखने के लिए। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं टाइगर 3 फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मैं आपको बताता चलूं कि कम से कम 12,000 स्क्रीनों पर यह फिल्म पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलीज की जाए, क्योंकि फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग हो रही है फिल्म के मेकर्स की, और 12,000 स्क्रीनों पर यह फिल्म रिलीज होती है तो मुझे लगता है कि फिल्म का जो इंडिया के अंदर फर्स्ट डे का कलेक्शन रहने वाला है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का रहेगा। और ओवरसीज से अगर फिल्म ने 50 से 60 करोड़ रुपए कमा लिए तो मैं कहूंगा कम से कम टाइगर 3 अपने पहले दिन 150 करोड़ रुपए से 160 करोड़ रुपए की कमाई अपने पहले ही दिन करने वाली है, जो कि काबिले तारीफ कलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइगर 3 जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म अपने पहले दिन कितना करेगी, गदर 2 को पीछे छोड़ेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।